हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन टेक ओमेगा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फायरविजन ईआरपी में पेरोल के अंतर्गत जो पेरोल कैलेंडर होता है उसको कैसे क्रिएट करते हैं। पेरोल कैलेंडर क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि हॉलीडे मास्टर में हॉलीडेज एंट्रीज कैसी बनाई जाती है। तो आइए चलते हैं हम पेरोल में, पेरोल देन पेरोल। यहाँ पर सेटअप में हम सबसे पहले यहाँ पर कैलेंडर सेटअप पर जाएंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले पेरोल का जो ईयर है, पैरोल ईयर, वो यहाँ पे क्रिएट करना होगा। पैरोल ईयर में जाने के लिए हम यहाँ पे देंगे सिक्योर पासवर्ड। कैलेंडर ट्राइप जो रहेगा वो हमारा रहेगा मंथली, और उसके बाद ईयर रहेगा यहाँ पे 2019। एक्चुअली हमने यहाँ पे इसको पहले ही जनरेट कर चुके हैं। तो कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ईयर जो है ईयर सेलेक्ट किया 2019, देन हम यहाँ पे करेंगे इस पर जनरेट। इसके बाद हमारा जो है पेरोल कैलेंडर ईयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन और दिया होता है विथ लीव कैरी फॉरवर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर। अगर हमारा लीव मास्टर और अटेंडेंस मास्टर प्रॉपर तरीके से बना हुआ है और या उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है या लीव एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो सिंपली इस ऑप्शन पर टिक करके हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो हमारी जो बची हुई प्रोविजनल लीव है, कैजुअल लीव है, वो नेक्स्ट पैरोल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। बट अगर आपको कुछ उसमें डाउट है या आपको मैनुअली कुछ करना है, तो इस ऑप्शन को जस्ट छोड़ना है और सिंपल यहाँ पे मंथली देन ईयर 2019 और जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में यहाँ पर मिलेगा हमें हॉलीडे डेट एंट्री। इस ऑप्शन में जाके हमको जो भी हमारा 2019 ईयर के लिए जितनी भी हॉलीडेज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर की गई है, हॉलीडेज एंट्रीज़ की यहाँ पे एंट्री करनी है। तो ये चलते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019। दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और जो पेरोल मास्टर होता है या पेरोल ईयर होता है वो हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। तो यहाँ पे जो ये है पेरोल ईयर है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ऑफिस। ऑफिस में जो हमारा पेरोल मास्टर बना हुआ है वो हेड ऑफिस से ही पूरा मेंटेन होता है, तो हम यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफिस है वो देंगे। इसके बाद हम चलते हैं हॉलीडेज़ कैलेंडर पर। हमारे हॉलीडेज़ कैलेंडर में ये यहाँ पे 10 हॉलीडेज़ डिक्लेयर की हुई है, तो इनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 इसमें इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे रिपब्लिक डे, तो हम अपना जो हॉलीडे मास्टर है इसमें इसको रिपब्लिक डे को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ये है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे न्यू, और इसके बाद इसका जो डेट है 26 जनवरी 2019। 1 डे इसका हॉलीडेज है, इसके लिए फ्रॉम डेट और एंड डेट में सेम डेट रखेंगे यहाँ पे 26 जनवरी 2019। देन इसके बाद इसको करेंगे हम यहाँ पर। हमारा जो नेक्स्ट है महाशिवरात्रि, 4 मार्च महाशिवरात्रि, देन नीव 4 मार्च 2019। इसी तरीके से बाकी जितने भी यहाँ पे हॉलीडेज हैं इनको 1 बाय 1 यहाँ पे एंट्री करके इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारा जो हॉलीडेज़ डेट एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर हॉलीडेज़ लिस्ट में कोई आपको नया हेड या नई हॉलीडेज़ एंट्री यहाँ पे
एंटर करनी है, तो यहाँ पे जो हॉलीडे डेफिनेशन है यहाँ से जाके आप नई एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ करते हैं न्यू बिलोंग्स टू हॉलीडेज, एलियास कोड हम सपोज़ 11 दे दिया है, और जो भी हॉलीडेज़ का नाम है यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी हॉलीडेज़ हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, और इसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारे यहाँ पे हॉलीडेज़ लिस्ट में ये हेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हॉलीडेज हेड जो है यहाँ पे एंटर हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम इसका प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।